छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना मैनू। हेलो, हाँ कब्बन, अरे कैसे हो? बहुत दिन के बाद याद आई तुम्हें अपनी बहन की। क्या अभी 2 दिन पहले ही आए हो जेल से? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हनी भी बिल्कुल ठीक है, मगर कब्बन ये तुम्हारी बार बार जेल जाने वाली हरकतें ना मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ बाकी बातें तुम्हारे आने के बाद होंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कौन था फोन पे? अरे वो अपना कब्बन। कब्बन कौन है? अरे मेरा भाई, मेरा सगा भाई, मेरा माँ जाया। वो गुंडा? गुलाम। दो भाई हैं मेरे, दो, समझे? और वो भी 6-6 फुट के। इसमें से एक गुंडा, एक शरीफ आदमी, तो ये भाई कहने से गुंडापन खत्म हो जाएगा क्या? अच्छा अच्छा बस एक बात सुनो, पता है कब्बन ने वहाँ गांव में चौधरी साहब के बेटे से हनी की बात पक्की कर रखी थी, समझे? और आधी जायदाद भी मिलनी थी उसको। लेकिन अब तो शादी हो गई, अब क्या करेगा वो? हाँ ये तो है, पता नहीं अब क्या करेगा। यानी अब ये मुसीबत भी झेलनी है। गुलाम जी, कुछ नहीं। अच्छा सुने, मैं जरा बैंक तक जा रही हूँ, बुलाया उन्होंने बायोमेट्रिक करने के लिए। आए, क्या अभी तक आपने मैट्रिक नहीं किया? उफो, अगर थोड़ा सा पढ़ लिख जाते ना तो आपको पता होता बायोमेट्रिक क्या होता है। घर का ख्याल रखिएगा, जाइए काम कीजिए। ये बायोमेट्रिक का अगर मुझे पता होता तो मैं घर दामाद ना होता। बहुत गर्मी है लड्डू। चाय पीना जरूरी था बेगम? मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अरे नहीं भाई, ससुर जी माफ करो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कंगाली चल रही है इधर तो। हाँ हाँ मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, कितनी चाहिए? बात पैसे की नहीं है भाई। ओ, लगता है फिर तो कोई बहुत संजीदा बात है। अब क्या है पापा बोले भी। ओ, कब्बन आ रहा है, कब्बन। अरे कब्बन आई है, बब्बन हमें गया है। मुझे लगता है आपने उनसे ना उधार पैसे लिए होंगे, इसीलिए डर रहे हैं। कब्बन मामू? मामू? अरे मामू मामू क्या, गुंडा है गुंडा, एक नंबर का गुंडा, चीटर, अपने फायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकता है वो। अरे वो गुंडा है तो क्या हुआ, हम कौन से शरीफ लोग हैं? लड्डू क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर मामू जान गुंडे हैं तो हम तो शरीफ लोग हैं ना बेगम। अब मुझे एक बात की टेंशन है बहुत। अब क्या हुआ पापा? वो असल में बेटी, वो गांव में तुम्हारी शादी चौधरी के बेटे से करना चाहता था। अब मुझे डर ये है कि वो यहाँ आके कोई हंगामा खड़ा ना करे। अरे कुछ भी बोले जा रहे ससुर जी आप, और मैं डरता डरता नहीं कब्बन बब्बन पप्पन से बहुत देखे मैंने उसे, यूं 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 सीधा कर दूंगा मैं। हाँ तूने बहुत जल्दी कर दी बहना। बस लड़का मिल गया था, हमने शादी कर दी। ऐसे कैसे, हमारे खानदान का सवाल है, मैं उस लड़के का इम्तिहान लूंगा। उसके बाद डिग्री मिलेगी उसे? नहीं, फिर मैं फैसला करूंगा कि वो हमारी हनी के लायक है या नहीं। अब काय का फैसला, शादी तो हो चुकी और काफी अरसा हो गया। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, इसलिए कि मैं उस शादी में मौजूद नहीं था। लेकिन कब्बन, देख तन्नो, मैं पहले ही इस गुलाम भाई के खिलाफ था और तूने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर कब्बन वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। बस कह दिया ना, अभी मैं 2 दिन पहले ही जेल से आया हूँ, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। इस बात को छोड़े, आप क्या लेंगे? उस लड़के का इम्तिहान। अरे भाई खाने पीने की बात हो रही है, खाने पीने की। अच्छा अच्छा ले आओ, कुछ भी ले आओ, आज कुछ भी नहीं बचेगा कब्बन के हाथों से, कुछ भी नहीं। लेके आता हूँ। अच्छी अच्छी चीजें लाना मेरे भाई के लिए। तू फिकर नहीं कर बहना, ये है हनी का शौहर लड्डू। अरे ये क्या मिठाइयों वाला नाम है, इससे ना मिठास बरकरार रहती है। हाँ अरे वाह यार, क्या बात की, वाह वाह। मामू
अब ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, बस नाराज हूँ तुझसे। मगर वो क्यों? तूने भी अपनी माँ की तरह शादी करने में जल्दबाजी की। असल में अच्छा खासा लड़का मिल गया, हमने कहा चलो निमटा दो। मैं इस लड़के का इम्तहान लूंगा तन्नो। इम्तहान? हाँ, रियाजी के अलावा किसी भी मजमून में ले डाले। हाँ, मुताला पाकिस्तान के ले ले इम्तहान। अबे मैं उस इम्तहान की बात नहीं कर रहा। तो फिर? मैं इस लड़के को खुद आजमाऊंगा, अगर ये लड़का कामयाब हुआ तो ये शादी आगे चलेगी, और अगर मैं नाकाम हो गया तो ये शादी खत्म। निकब्बन, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बस अब कोई बहस नहीं करेगा। तुम लोग जानते हो ना, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी का खून भी। इसको रखो, इसको रखो। अरे अभी अभी तो जेल से छूट के आयो। तुम ऐसा करो, ये लो, गुस्सा ना करो, लो समोसा खाओ। हाँ हाँ चौधरी, अरे नहीं नहीं तू फिक्र नहीं कर। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना ये शादी खत्म करवाने के लिए। अपनी भतीजी का हिस्सा लेकर रहूंगा। अरे मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की जो सारी जायदाद मेरी बहन के नाम पर कर दी, लेकिन मैं उसकी बेटी का रिश्ता खत्म करा के उससे बदला लूंगा। हाँ हाँ चौधरी फिक्र नहीं कर, मैं अपनी भांजी को साथ लेकर ही आऊंगा। ठीक है चल, फोन रखता हूं मैं। हाँ चौधरी मैं आ रहा हूँ, फिक्र नहीं कर। अबे 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 अपने फायदे के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने आया है। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे ओ लड्डू, हट, आराम, तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। गला ही ना दबा दूं? क्या कहा? मैंने कहा आपका गला खुश्क हो गया होगा, पानी पिला दूं आपको? अबे ओ कामचोर, दबा इधर, पानी पिला दूंगा बच्चा। अच्छा ठीक है। यहाँ आने से पहले क्या काम करता था? मैं कुछ नहीं करता था, इधर का उधर कर देता था, उधर का इधर कर देता था। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। देख बे लड्डू, शराफत से मेरी भांजी से अलग हो जा, समझा? कैसी बातें कर रहे हैं आप, पहले मेरा इम्तिहान तो ले लें। नहीं अबे तेरे तो हाथों में ही जान नहीं है, तुझसे तो दबाया ही नहीं जा रहा सही, तेरा क्या इम्तिहान लूं मैं? लेकिन मामू। ओए मामू तेरा नहीं हूँ मैं। तो क्या बोलूं? कब्बन बोल, सिर्फ कब्बन। अच्छा कब्बन मियां, तुझे मैं सिर्फ एक दिन का वक्त दे रहा हूँ, अपना बंदोबस्त कर ले, वरना। वरना? वरना किया? नहीं कर लूंगा, जब हो जाएगा फिर नहीं करूंगा। इसको डालो कब्बन मियां, डालो इसको। क्या मुसीबत है ससुर जी? अबे क्या हुआ, क्या कब्बन ने करंट मार दिया? वो तो छुरा लेके मेरे पीछे पड़ा है। क्या छुरा? हाँ वो भी इतना बड़ा, इससे चार गुना बड़ा है। अभी क्या बवाल है, जान आ गया है हमारे ऊपर यार। ससुर जी आप कुछ करें ना, वो मुझे इम्तिहान में जानबूझ कर फेल कर देगा। अबे कोई इम्तिहान इम्तिहान नहीं है भाई, वो गुंडा है, गुंडा एक नंबर का, चीटर विलन। मैंने खुद उसको बात करते हुए देखा चौधरी साहब से। क्या बात? बताओ ये बात है। सुनो मैं अभी जाके नहीं बैठता हूँ। एक सेकेंड, अभी जाके नहीं बैठ। अबे होश से काम ले, जोश से नहीं भाई। वो कैसे? देख अरे ये काम ना मैं यूं कर लूँ ना, बल्कि अभी करके आता हूँ। हाँ बस ठीक है, ठीक है। मेरा घर बर्बाद करने आया है, अब पता चलेगा तुझे। ओ कब्बन यक्ष। अरे भाई, भैया मैं तो आपके पैसे दे चुका हूँ भाई। भाई देखो बदमाशी मत दिखाओ यार,
देखो मेरे पास पैसे नहीं है यार भैया, मेरे पास पैसे नहीं है यार भैया। घर क्यों आओगे भाई, घर क्यों आओगे? हेलो, लाइन काट दी। अरे क्या हुआ गुलाम भाई, कौन बदमाशी कर रहा है? कब्बन भाई है एक आदमी, मैं उसके पैसे दे भी चुका हूँ, वो मजीद मांग रहा है और दो, कह रहा घर आ जाऊंगा तुम्हारे। अरे हाँ तो आने दो घर। नहीं भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, हंगामा होगा पता नहीं। देखो अरे कब्बन के होते हुए तुम्हें किसी बदमाश से डरने की जरूरत क्या है गुलाम भाई? नहीं नहीं भाई तुम मेहमान हो घर में, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार क्या बात कर दी तुमने, मैं घर वाला हूँ, बेफिक्र हो जाओ, आने दो उसे। असल में कब्बन बात यह है कि उसके पास छुरा है, इतना बड़ा छुरा। इससे बड़ा तो नहीं है ना ये छुरा, ये तो मिसाइल है, मिसाइल कब्बन, मिसाइल। घबराओ नहीं गुलाम भाई, हम भी देखेंगे कि हमारे होते हुए तुम्हें कौन बदमाशी दिखाता है। कब्बन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो हमारी बदकिस्मती है कि तुम हमारे भनोई हो, वरना वरना। चाचू कहाँ हो, जल्दी से आ रहे हो? हाँ भाई अब बताओ क्यों बुलाया मुझे? ओ चाचू बात दरअसल ये है कि नहीं 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 भाई इतना खतरनाक काम मैं नहीं कर सकता। चाचू असली में थोड़ी करना है, नकली नकली करना है। कुछ भी हो भाई मैं ये काम नहीं करना। तो मेरे चाचू के भतीजे के लिए इतना सा नहीं कर सकते यार। ए यार अब तू मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेल। एक आदमी मेरा कत्ल करने को तैयार है, आपको अपने जज्बातों की पड़ी है। मरवाएगा यार मरवाएगा। क्या मरवा? अबे मेरा दुश्मन आ गया। दुश्मन? हाँ चाचू इन्हीं से तो आपको बदमाशी करनी है। अच्छा अच्छा आप समझा ना। चलो जल्दी समझ गया। वैसे कब करना है ये सब? बस थोड़ी देर में करेंगे। और जब तक मैं कहाँ जाऊँ? जब तक मैं तुम्हें किसी महफूज मकाम पे लेके चलता हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ चलो चलो, और कुछ खाने को भी मंगा लो। आ जाओ। अबे ये खाने के अलावा और तुम्हें कुछ आता नहीं है यार। यार बुलाया है मेहमान को, बुला के ऐसी बातें। चुप जाओ छम। क्या वो लड्डू, तुम इतने परेशान क्यों हो? बात तो है परेशानी की, तुम्हारे मामू चीजें इतनी अजीब हैं। तो मामू की अजीब होने से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे इतनी अजीब अजीब बातें करते के तो तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लड्डू तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं। क्या क्या कहा? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके लिए ऐसा ना कर सकूं। नहीं हाँ तो बस फिर डर किस बात का? मैं डर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही यू नो। बस रहने दो, देखो तुम्हें ना ये इम्तिहान पास करना है। हाँ कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं। कोशिश नहीं लाजमी जीतना है। कैसे बताऊँ फिर, हमने मामू को भगाने के लिए क्या किया? क्या 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 क्या? हनी मैं ये कह रहा हूँ कि जीत लाजमी हमारी होगी। हाँ लो चिप्स खा। बन, ये लस्सी तेरी जिंदगी की आखिरी लस्सी होगी, मेरा इम्तिहान लेने चला था। मामू मामू ये ले लस्सी ठंडी ठंडी। लेकिन मैंने तो नहीं मंगाई थी। मैंने सोचा बहुत देर हो गई आपने कुछ खाया नहीं, मुंह भी बेचारा क्या सोच रहा होगा, पी लें। क्या तो ठीक रहा है भाई, जबरदस्त। अच्छी है ना? हाँ यार मजा आ गया, लड़का तो अच्छा है, बस मेरे काम के बीच में आ गया। मामू कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। हाँ जलजला आ रहा है।
नहीं मामू क्यों? अब मुझे ऐसा लग रहा है दलदल आ रहा है। अरे नहीं नहीं मामू, मामू आप आराम करें, यहाँ पे लेट जाए। हाँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आए, हाँ सही है, आए। क्या हो गया कबन भाई? क्या हुआ बादशाह भाई? अरे बादशाह नहीं यार, गुलाम। हाँ गुलाम, गुलाम भाई। हाँ क्या हुआ? वो बदमाश आ गया जिसका जिक्र किया था ना मैंने तुमसे। किधर है? आ गया, आ रहा है, आ रहा है। बुलाओ बुलाओ उसे, बुलाओ। कहाँ है गुलाम, कहाँ छुप के बैठे हो? कहाँ है गुलाम? सामने। अबे ओए कौन है तू? तुम मुझे नहीं जानते, मैं गुंडा हूँ। अबे गुंडा तो मैं भी हूँ। तुम्हारे जैसे गुंडे तो मैंने पता नहीं कितने मार दिए। एक मिनट, क्या हुआ कबन भाई? उसके पास तो चाकू है गुलाम भाई। यार तो चाकू तो तुम्हारे पास भी है, है? क्या मुर्गी हलाल करने के लिए रखा हुआ है? अरे मार दिया, मार दिया, मार दिया चाचा को, मार दिया। लड्डू ये तो तुम्हारे चाचा है ना? है नहीं, थे। मार दिया जालिम ने। अरे ये क्या कर दिया? अरे मार डाला, अभी अभी तो जेल से छूट रहे थे मेरे भैया, ये फिर फोन कर दिया तुमने। ओए कब्बन, मैं तुझे कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ, चल। हाँ चलो चल। अरे गुलाम भाई बताओ ना, गुंडा तो ये था? ये गुंडा नहीं था, गुंडा तुम हो यार। वो मार दिया तुमने, जालिम तूने उसे मार दिया। चलाए। हाँ चलो चलो, बाय बाय। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। अरे अब इस लाश का क्या होगा? मम्मी जी मैं बताता हूँ, चाचू खड़े हो जाओ। कोई है जो गरीब की मदद करे भाई? ये मेरा बेटा है और ये हमारे अकलौते अब्बा हैं। जाहिर है तुम इनके बेटे हो तो तुम्हारे ये अब्बा ही होंगे, मामू तो होंगे नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो दिए? इनके दिमाग में इतना बड़ा खराब हो गया, देखो खुदा पाक की कसम, ये देख रहे हो? ये कैसे हो गया? बस मैं इनको खाने के लिए बिठा के गया, कुछ सोचने लगे, दिमाग खुल गया खुद ब खुद। दिमाग में सुराख और वो भी इतना बड़ा? अरे बहुत बड़ा था, ये तो इलाज करा करा के छोटा करवाया मैंने। हमने बता दिया भाई तू हमारे पार्टनर, अब अच्छे बच्चों की तरह हमारी मदद करो। क्या कह रहे ससुर जी? नाक के सुराख का एक्सरे। अबे भाई नाक में तो ऑलरेडी सुराख होते हैं भाई। तो तीन सुराख है ना यार। खालू तमीज से बात करना जरा। हाँ खालू। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, निकम्मे घर दामाद। ये देख बातें कर रही है। अबे सकिया गया अब्बा, क्या होगा तुम्हारे को? मुझे लग रहा मशरूम में पेट्रोल मिला के पी गए। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।